क्या? हेलो राम बाबू। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। कहिए तबीयत कैसी? तबीयत के क्या कहने, बिल्कुल बुलंद है और फिर हम दोनों को यहाँ हर तरह का आराम है। ये जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई। डॉक्टर जी, आपने मुझे खाने पीने में तो कोई परहेज बताया नहीं, इसका मतलब ये है कि जो मैं चाहूँ खा भी सकता हूँ ना? बड़े शौक से। अब बोलो सीता, तुम तो कह रही थी कि डॉक्टर ने कॉफी चाय मना कर दी है। माफ करना राम बाबू, मैं भूल गया, चाय कॉफी आपके लिए अच्छी नहीं। अब आप बोलिए, डॉक्टर साहब ने वही कहा ना जो मैं कह रही थी। भाई ये खूब रही, आवाज तुम्हारी और बात इनके दिल की, आप दोनों तो मिल गए हैं, अब मैं मनमानी नहीं कर सकता, है ना सीता? बाजू निकालिए राम बाबू। ये इंजेक्शन क्या है डॉक्टर? इससे आपकी तंदुरुस्ती बढ़ेगी। मैं तो कहता हूं सीता, ये इंजेक्शन एक आध तुम भी ले लिया करो। देखा डॉक्टर, इन्हें अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं है, पहले से कमजोर भी हो गई हैं और कभी कभी बेहोशी के दौरे पड़ने लगे। ये तो बहुत सीरियस बात है सीता देवी, इसका इलाज अभी से होना चाहिए। ये तंदुरुस्त हो जाएं, मैं आप ही आप अच्छी हो जाएं। मेरी तंदुरुस्ती का क्या कहती हो, अब तो चला चली का मेला है, क्यों डॉक्टर? ऐसा क्यों कहते हैं राम बाबू, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अभी एक पूरी जिंदगी है आप दोनों के सामने। आप कहते हैं तो मान लेता हूँ, लेकिन कैंसर कैंसर है डॉक्टर। जी हाँ, लेकिन विश्वास विश्वास है राम बाबू। अच्छा, तो फिर एक बात याद रखिए जी, अगर मैं इस बीमारी से जिंदा निकल आया तो 1,5,00,000 रुपए का चेक आपके टेबल पर रख लेकर लौटूंगा। तो अभी से कलम और चेकबुक तैयार रखिए और ये समझ लीजिए कि आपका 5,00,000 रुपया आपसे बिछड़ गया। एक बात कहूं सीता, अगर डॉक्टर का ये विश्वास सच निकला तो अपने 5,00,000 तो गए समझो। क्या कह रहे हैं, आपकी जान सलामत रहे, रुपए का क्या है? जिसके पास रुपया नहीं उससे पूछो, रही जान से तो सबके पास है। अरे भाई, तुमसे तो बात करना भी 99% का घाटा है, जरा सा मजाक किया और आप हो गई नाराज। नमस्ते मालिक। नमस्ते गिरधारी। मालिकन ये लीजिए तस्वीर। जरा हम भी देखें। ये मैंने मंगवाई है अपने लिए। तो फिर ये कोई खास ही तस्वीर होगी जिसे हम नहीं देख सकते। सीता, तुम जैसी देवी ऐसे ही देवी और देवता की पूजा कर सकती है। इन दोनों की छाया मैं इन आंखों में भी देख सकती हूँ। सच? के ना आए जो दिन दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए, याद न जाए बीते दिनों की, जाके ना आए जो दिन दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। दिन जो पखेरू होते पिंजरे में मैं रख लेता, दिन जो पखेरू होते पिंजरे में मैं रख लेता, पालता
उनको जतन से पालता उनको जतन से मोती के दाने देता सीने से रहता लगाए याद न जाए बीते दिनों की जाके न आए जो दिन दिल क्यों बुलाए उन्हें दिल क्यों बुलाए तस्वीर उनकी छुपा के रख दूं जहां जी चाहे तस्वीर उनकी छुपा के रख दूं जहां जी चाहे मन में बसी ये मूरत मन में बसी ये मूरत लेकिन मिटी न मिटाए कहने को है वो पराए याद न जाए बीते दिनों की जाके न आए जो दिन दिल क्यों बुलाए उन्हें दिल क्यों बुलाए याद न जाए बीते दिनों की आई आई राम बाबू मत कहिए डॉक्टर अब तो सिर्फ राम कहिए हम तो दोस्त हो चुके हैं क्यों नहीं बैठिए ना मैं तो यूं ही चला आया डॉक्टर बैठे बैठे उकता गया था मैंने सोचा आपसे कोई किताब मांग लूं पढ़ने के लिए मगर मेरे पास सिवाय डॉक्टर की खुश किताबों के और क्या है राम डॉक्टर कोई मैगजीन वगैरह नहीं आपके पास ये मैगजीन ले लो मेरा मतलब है इसमें क्या रखा है ये तो पुराना है मैं आपको नया मंगवा देता हूँ डॉक्टर मेरे लिए नया और पुराना क्या मुझे तो वक्त काटना है ऐसे ही पढ़ लूंगा आप आराम कीजिए मैं चलूं सीधा इंतजार कर रही होगी डॉक्टर धमेश के यहाँ किताब लेने गया था ये मैगजीन मिला अच्छा आप जल्दी से पी लीजिए वरना ठंडी हो जाएगी बैठ के बातचीत करेंगे ना 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 यहाँ मत बैठिए क्यों उस पड़ रही है सर्दी लग जाएगी मैंने स्वेटर तो पहनी हुई है ना नहीं नहीं आप अंदर चलिए ना बाहर इतना अच्छा लग रहा था और सर्दी लग अच्छा लो मैगजीन तो दो Sometimes the torrent seems so cold and tempting that I feel like having a plunge into it and swim on to eternity. ¶¶
मैं तैयार हो गया डॉक्टर, चलिए चलिए। सीता, मैं कोबाल्ट ट्रीटमेंट के लिए जा रहा हूँ, 10 मिनट में लौट आऊंगा। नहीं राम बाबू, कम से कम 1 घंटा लगेगा। मैं नए सिरे से आपके सारे टेस्ट लेना चाहता हूँ। ये कुमकुम प्रसाद ले लीजिए। लो।